बॉलीवुड की हो या फिर छोटे पर्दे की दुनिया की, इंडस्ट्री में हर किसी ने अपनी अपनी जगह अपने टैलेंट से बनाई है और सबकी अलग पहचान दर्शकों के दिलों में बनी है। आज छोटे पर्दे की दुनिया में बेहतरीन अदायगी से राज कर चुकी एक ऐसी अभिनेत्री की ही कहानी हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज्यादा टीवी टाउन में एक्ट्रेसेस राज करने के बावजूद भी टीवी की दुनिया से काफी दूर रहती हैं। कई बार देश में निकला होगा चांद शो में नजर आ चुकी संगीता घोष की हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, संगीता घोष टेलीविजन की दुनिया का सबसे जाना माना नाम, स्टार प्लस में प्रसारित होने वाले शो देश में निकला होगा चांद में जिस पम्मी के किरदार से लोगों का दिल जीत चुकी है संगीता घोष, घर घर में शो में पम्मी के किरदार से लोगों के दिलों पर राज कर चुकी ये एक्ट्रेस अब हमारे बीच नजर नहीं आती है इंडस्ट्री की इस लाइमलाइट के बीच। पश्चिम बंगाल के शिवपुरी की रहने वाली संगीता घोष की बात की जाए तो देखा जाए तो संगीता वाकई में हम सबसे काफी दूर रह रही हैं और ऐसे में संगीता घोष के बारे में लोग जानना चाहते हैं आखिर वो कर क्या रही हैं। तो आपको बताना चाहेंगे टीवी शो देश में निकला होगा चांद के अलावा उन्होंने दिव्या दृष्टि में काम किया था, रिश्तों का चक्रव्यूह, विरासत जैसे शो में काम किया, मेहंदी तेरे नाम की में भी काम किया और साल 1986 से वो काम कर रही है। 45 साल की हो चुकी है वो। सोशल मीडिया पर आप सभी को वो दिखाई देती होंगी, एक्टिव रहती हैं वो सोशल मीडिया पर और कोलैबोरेशन के लिए उनसे आप बात कर सकते हैं ये उनका कहना है, लव लाइफ को लेकर उनका कहना है। और ये देखिए कैसी दिखने लगी है संगीता घोष इंडस्ट्री छोड़ने के बाद, वो यकीनन अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने सुंदर चांद जैसी दिखने वाली संगीता यकीनन ऐसी दिखने लगेंगी किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, संगीता कुछ ऐसी दिखने लगी है काफी ज्यादा लाइमलाइट से दूर होने के बाद वो अलग से दिखने लगी है। मेकअप उनकी ये तस्वीरें जब सामने आई लोग उन्हें देखकर काफी चौंक गए क्योंकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा जीप दिख रही थी। पहले इंडस्ट्री की इस लाइमलाइट से दूर होने के बाद वो बहुत सादी जिंदगी जी रही है और परिवार और पति के साथ रह रही हैं। एक्ट्रेस होने के बावजूद वो एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ की हर छोटी से बड़ी खुशी को वो लोगों के बीच साझा करती हैं। हस्बैंड के साथ उनकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर गुजर रही है। हाँ, ये सच है कि टीवी की दुनिया में वो खास एक्टिव नहीं, लेकिन इसका उन्हें अब कोई गम भी नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।